थोड़ा नहीं बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों कैरेक्टर्स के बीच, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ और मुझे मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है जो हर तरीके से अलग है. मेरे बाकी के कैरेक्टर्स भी काफ़ी अलग रहे हैं इन जो हर एक कैरेक्टर जो मैं करता हूँ. एंड अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ कैरेक्टर सर्टेनली न्यू लाइट इन न्यू कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट शेड ऑफ इट. तो बहुत एक्साइटिंग रहता है जब आपको मिलता है ऐसा मौका. और मुझे लगता है कि वो स्विच ऑफ स्विच ऑन बहुत ज़रूरी होता है एज एन एक्टर. तो मैंने वो काफ़ी टाइम पहले सीख लिया था और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी राइट नाउ. एंड दिस इज़ मोर लाइक मी. रवि रंधावा इज़ मोर लाइक मी. मोर फन, मोर ईजी गोइंग, मोर पानी की तरफ रहने वाला इंसान है. तो आई थिंक अभी इस कैरेक्टर को निभाने में मज़ा तो आएगा लेकिन चैलेंजिंग भी है क्योंकि एंटरटेन करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ पर्सन हू इज कम्प्लीटली फन बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन दैट लिटिल बिट ऑफ विट, लिटिल बिट ऑफ चार्म. आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव. रहमान जब एक रोल निभाया जाता है जहाँ यू नो एक सटल सा थोड़ा सा रोशनी सा उसको भी पसंद किया गया क्योंकि आपके रोल को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. अब यहाँ पर एकदम फन लगने सा है जी. इस बार लाइक बबल्स उठते हैं, बटरफ्लाइज उठती है. बिल्कुल, हर किरदार निभाने से पहले ऐसे आपको फील होता है कि आप क्या जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे. मैं परसों ही बैठा था, दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी. जब मैं बैठा था मुझे लग रहा था कि यार इतना भी एक्सपेक्टेशन है लोगों में तो क्या मैं उस चीज़ पे खरा उतर पाऊंगा एंड ऑल दैट. बट शी सेड वन थिंग वेरी वेल. शी सेड कि दैट फीलिंग दैट यू फीलिंग राइट नाउ इज व्हाट विल मेक यू डू वेल. सो आई एम ग्लैड दैट शी टोल्ड मी दैट एंड आई थिंक आई विल गो अहेड विद दैट एंड आई विल गिव इट माय 100%. दोस्ती की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी बहुत ही क्लोज दोस्त और आपके साथ में जो रह चुकी है सुमन, शी इज इन कलर्स के बिग बॉस में. देखते हैं टाइम मिलता है क्या. अब बहुत एक्चुअली पिछले दो हफ्तों से मौका नहीं मिला है एंड ऑल्सो आई हैव बीन वर्किंग टू शूट इन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर वर्क. सो आई रादर नॉट कमेंट अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज़ आई डोंट नो मच अबाउट इट. सुमन के लिए ऑल द बेस्ट है, वो जीत गया है. मैम आप बताइए.